दोस्तों ये है KTM RC390 BS6 वेरिएंट, जिसे आप 2020 मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है BS6 इंजन का अपडेट। और BS6 अपडेट आने के बाद में कंपनी ने इसमें काफी कुछ नया बदलाव किया है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि कंपनी ने इसमें क्या नया बदलाव किया है, क्या नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, क्या नए स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने है KTM RC390 BS6 वेरिएंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रेसिंग बाइक है, यानी स्पोर्ट बाइक है, और ये काफी ज्यादा फेमस है। KTM सीरीज की ये काफी बेहतरीन और काफी एक्सपेंसिव बाइक में से भी एक है। तो अगर हम इसके पहले बदलाव की बात करें, तो जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका पहला बदलाव इसके ग्राफिक्स को लेके किया गया है। यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे KTM RC390 की बड़ी बड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, RC का बड़ा बड़ा ग्राफिक मिलेगा आपको। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी ग्राफिक्स कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। और अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हम फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज मिलती है ब्रेक की, यानी इसमें आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, काफी बड़ी साइज रखी गई है। और यहाँ पे आपको ABS की चैन भी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, यानी आपके अगले ब्रेक में और पिछले ब्रेक दोनों में ही आपको ABS का सपोर्ट मिल जाता है। और जो इसका फ्रंट का टायर है, वो आपको 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। इसके साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के अपडेट में भी आता है, और ये साइड रिफ्लेक्टर लगभग सारी बाइक में अब आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, तो फ्रंट में आपको हाई क्वालिटी WP एपेक्स अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 125 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंस क्वालिटी नो डाउट हमेशा से ही इसकी बेहतर रही है, तो इसमें आपको सस्पेंस क्वालिटी बेहतर ही देखने को मिलने वाली है। और उसके साइड में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 390 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आपको RC की ग्राफिक देखने को मिल जाती है काफी बड़े अक्षरों में, और उसके नीचे आपको KTM का ग्राफिक देखने को मिल जाता है। तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ फ्रंट में आपको हेडलैम्प के नीचे DRL भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलते थे। और इसके हेडलैम्प पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, तो नो डाउट इसकी जो विजिबिलिटी आपको मिलेगी वो काफी ज्यादा कमाल की विजिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। वहीं इसके ऊपर आपको एक बड़ी सी विंडशीट मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगती है, और रेसिंग करते टाइम इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प भी मिलती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप वायर निकला हुआ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका लगेगा साइड मिरर, जिसमें आपका इंडिकेटर भी इंक्लूडेड होता है, ये यहाँ पे लगाने के लिए जगह दी गई है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके क्लच लीवर पे आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं हैंडल बार पे आपको मिल जाता है लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, और ये बैक लाइट स्विचेस हैं, तो इसमें आपको स्विचिंग क्वालिटी जो मिलती है वो आपको काफी ज्यादा उम्दा मिलती है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन कूल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। और ये है इसका मीटर कंसोल, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑरेंज कलर की अंदर लाइट जलती हुई मिलेगी, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम और ऑसम लगता है। और इसका मीटर कंसोल हमेशा से ही अपडेटेड रहा है, इसमें लगभग आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको लगभग देखने को मिल जाती है। वहीं जो इसका हैंडल बार है, वो आपको ट्रिपल क्लैंप हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके लुक को भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है और आपके राइडिंग पोजीशन को भी काफी बेहतर करता है। टैंक पे आपको मिल जाता है RC390 की ब्रांडिंग, जो कि आप यहाँ पे फ्रंट पे देख पा रहे होंगे। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो इसमें आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है, तो मैं आपको इसके माइलेज के बारे में भी बता दूं, तो गौर से सुनिएगा, इससे आप 25 तक का माइलेज इसमें आप आसानी से पा सकते हैं। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, तो नो डाउट आपकी राइडिंग पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको शुरू से ही FI सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी इसमें शुरू से ही कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें आपको अभी भी FI सिस्टम ही देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 373 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलने वाला है। तो गौर कीजिएगा, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगी, तो आपके जो इंजन की हीटिंग की
प्रॉब्लम है वो काफी कम होने वाली है। जो मैक्स पावर इसमें आपको मिलता है वो आपको 13 किलोवाट का मिलता है, और अगर हम इसे बीएचपी में कन्वर्ट करें तो लगभग 43.5 बीएचपी का इसमें आपको मैक्स पावर देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 35 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर देखने को मिल जाएंगे, यानी इसमें आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं। जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 150 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाएगा। सीटिंग कंफर्ट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दूं ये सिंगल राइडर के लिए परफेक्ट होता है, पिलियन राइडर के लिए आप भूल ही जाइए। काफी हार्ड इसमें सीट आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें आप सिंगल राइडिंग ही आपके लिए परफेक्ट रहेगी। जो पीछे का टेल लैंप है वो आपको एलईडी टेल लैंप देखने को मिलेगा, और जो इसके इंडिकेटर है वो भी आपको एलईडी ही देखने को मिलेंगे। तो पूरी गाड़ी में आपको आगे के हेडलैम्प आपको प्रोजेक्टर वाले मिलेंगे, बाकी की सारी लाइट आपको इंडिकेटर और टेल लैंप ये सारी चीजें आपको एलईडी देखने को मिल जाएंगी। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इसमें आपको एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाती है। वहीं फेंडर पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए लोहे की पट्टी भी मिल जाती है, तो नो डाउट ये भी काफी सही चीज है। यहाँ रेयर में आपको 390 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है सीट काउल पे, और उसके साइड में आपको एक ग्रैब रेल भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। रेयर प्रोफाइल में रेयर ब्रेक की बात करें तो रेयर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलेगा, तो ब्रेकिंग आपकी नो डाउट काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो रेयर का टायर वो आपको काफी ज्यादा चौड़ा देखने को मिलने वाला है, 150x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है इसका एग्जॉस्ट, जो कि काफी स्पोर्टी लुक में आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, और इससे आपको काफी बेहतरीन एक ट्यूनिंग भी देखने को मिल जाती है। एक चीज का गौर कीजिएगा, इसमें आपको जो एलॉय मिलेंगे वो आपको ऑरेंज कलर के नहीं मिलेंगे, ये आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, जिसमें आपको ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा इसके लुक को इनहेंस करते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो सीट हाइट है वो आपको 820 mm का देखने को मिलने वाला है। इस चीज का आप गौर कर लीजिएगा, इसकी सीट हाइट बहुत ज्यादा है। अगर आपकी हाइट कम है और आप इसे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार आप इसकी टेस्ट ड्राइव अच्छे से जरूर करिएगा, तभी आप इसको परचेस करने का प्लान करिएगा, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। उसके बाद जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 178.5 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी बेहतर है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका जो कर्व वेट है वो आपको 149 kg यानी 149 kg का आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो गौर से सुनिएगा, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 2,54,000 रुपए देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में, और वहीं जो इसकी ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 3,09,000 से 3,12,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।